हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और नीतू पोहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए मिल्क शेक की रेसिपी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओरियो बिस्किट सब बच्चों को कितने पसंद होते हैं, तो हम उन बिस्किटों से ही आज हम ओरियो मिल्क शेक बनाएंगे जो आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और आज हम इसे मिक्सी के बगैर बनाएंगे, वो भी एकदम देसी स्टाइल से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ओरियो बिस्किट मिल्क शेक। 3 ग्लास ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 ग्लास ठंडा चिल्ड दूध, और जो दूध लिया है वो मलाई मिक्स लिया है जिससे मिल्क शेक में क्रीमी टेक्सचर आएगा। 3 ग्लास मिल्क शेक के लिए हमें चाहिए 2 ओरियो बिस्किट के पैकेट, 3 चम्मच चीनी, वैसे चीनी अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। और मिल्क शेक में चॉकलेट फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने लिया है चॉकलेट सिरप, और ये 10 रुपये का पाउच हमारे मिल्क शेक के लुक और टेस्ट दोनों को ही चेंज कर देगा। और इतने से पाउच से हमारे 5 गिलास ओरियो मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़रूर ऐड करें, इसे ऐड करने से ओरियो मिल्क शेक का टेस्ट और भी अमेजिंग हो जाता है। सबसे पहले मिल्क शेक बनाने के लिए बिस्कुटों को पैकेट से निकाल लेंगे, और पैकेटों से सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। और आपको तो पता ही है जो हम मिल्क शेक बना रहे हैं वो एकदम देसी स्टाइल से बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए ऐसी कोई पॉलीथीन। और अब पॉलीथीन में 3 बिस्कुटों को छोड़कर सारे बिस्किट पॉलीथीन में डाल देंगे। तो पॉलीथीन में बिस्किट डाल दिए हैं, और अब बेलन से बिस्कुटों को पीट कर इसका चूरा बना लेंगे। और देखिए, हमने बिस्कुटों का ऐसे चूरा बना लिया है, और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना मिक्सी के घर पर मिल्क शेक। तो उसके लिए आप कोई ऐसा जार ले लें। तो अब जार में डालेंगे 1.5 ग्लास ठंडा चिल्ड दूध, और जब भी दूध लें तो उसमें थोड़ी सी मलाई ज़रूर ऐड करें मिल्क शेक को बनाने के लिए, इससे मिल्क शेक में क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो दूध हमने ले लिया है, अब डालेंगे इसमें 3 चम्मच चीनी, वैसे 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच चीनी सफिशियंट है, और चीनी ज़्यादा ऐड ना करें, नहीं तो मिल्क शेक में एक मीठे मीठे का टेस्ट आएगा और ओरियो मिल्क शेक का टेस्ट नहीं आएगा। तो चीनी डालते टाइम ध्यान से डालें। अब ऐड करेंगे ओरियो बिस्किट का चूरा 6 चम्मच, 1 गिलास के लिए 2 चम्मच के हिसाब से। तो अब चूरा को अच्छे से दूध में मिक्स करेंगे, और 5 मिनट के लिए दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बिस्किट का चूरा, दूध, चीनी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। तो दूध को 5 मिनट रखे हो गया है, तो दोबारा से दूध को अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे ऐसे ही पी सकते हैं, इसलिए कि इसमें सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। पर इसमें हम मिक्सी जैसे शेक में इफ़ेक्ट लाने के लिए, मतलब आपने देखा होगा कि जब आप कोई मिल्क शेक मिक्सी जार में बनाते हो तो शेक में झाग झाग से हो जाते हैं, तो उसी के लिए हम दूध में मथनी डालकर 5 मिनट के लिए चला लेंगे, और 5 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो हमने दूध में मलाई भी ऐड करी है और मलाई ज़्यादा चलाने पर मक्खन में कन्वर्ट हो जाएगी इसलिए। और देखिए हमारे मिल्क शेक में कितने अच्छे से झाग बन रहे हैं, और मिल्क शेक को चलाते हुए 5 मिनट हो गई हैं, और हमारा ओरियो मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो मिल्क शेक को सर्व करने के लिए हमने ग्लास ले लिए हैं, तो सबसे पहले चॉकलेट सिरप से ग्लासों को अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। और देखिए हमने ग्लासों को कितने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, और अब ग्लासों में ओरियो मिल्क शेक डाल देंगे। और अब जो बिस्किट का चूरा बचा लिया था तो उसे शेकों के ऊपर बराबर बराबर डाल देंगे, और जो 3 गिलासों के लिए 3 बिस्किट बचा लिए थे तो अब उन्हें 4 से 5 टुकड़ों में तोड़कर शेक के ऊपर डाल देंगे। और ये देखिए हमारा टेस्टी यम्मी ओरियो मिल्क शेक है बनकर एकदम तैयार।
और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है और पीने में तो अमेजिंग है ही। देखिए, जिन लोगों के पास मिक्सी नहीं है तो परेशान ना हो, तो ऐसे बना लीजिएगा। और इस मिल्क शेक में और मिक्सी जार में बने मिल्क शेक में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, मर्जी आपकी है जैसा आप बनाना चाहें। और मैं अपने बच्चों को आप ज़्यादा वेट नहीं करा सकती, इसलिए कि वो दोनों तैयार खड़े हुए हैं मिल्क शेक को पीने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।